हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ मैं जो आज का बनाने जा रही हूँ रेसिपी, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ गाइस। मैंने ले लिया थोड़ा से दाल। आपके घर में जो भी दाल हो आप वो ले सकते हो। मेरे घर में मसूर का दाल था, तो मैं अब इसे थोड़ी देर सोक करके रख दूँगी। तो मैं यहाँ एक बाउल ले ली। अब मैं इसमें दे रही हूँ सोया चंक्स, इसे भी थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है। इसे भी भिगो के हम साइड करके रख देंगे। अब मैं यहाँ चॉप करने जा रही हूँ गाइस। मैंने लिया दो प्याज छील के, तो अब मैं इसे बारीक से चॉप कर लूँगी। तो यहाँ मेरा ये अनियन भी अच्छी तरह चॉप हो चुका है छोटे छोटे करके, तो इसे भी साइड करके रख देते हैं गाइस। मैंने लिया एक आधा बंदा गोभी, हाफ पोर्शन। इसको रफली चॉप कर लेंगे गाइस। ये देखिए, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो वेज रेसिपी है गाइस। आप लोग भी देखना और ट्राई ज़रूर करना गाइस, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। अब मैंने जो दाल सोक करके रखी हुई थी, उस दाल को अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मेरा दाल अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है गाइस, देखिए। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। गाइस, अब जो सोया चंक मैंने सोक करके रखे हुए थे उसे भी निचोड़ के अब ब्लेंड कर लूँगी। इसका पानी निकाल लिया है गाइस अच्छी तरह। अब इसे भी ब्लेंड कर लेंगे गाइस। ये देखिए, सोया चंक्स भी ब्लेंड हो चुका है। वैसे तो मटन और चिकन कबाब बहुतों ने खाए हैं, बहुत बड़ा ही टेस्टी होता है, पर ये वेज कबाब बनाने जा रही हूँ गाइस। ट्राई ज़रूर करना आप भी, बड़ा ही टेस्टी होता है। तो अब मैंने जो बंदा गोभी रफली चॉप कर लिया था उसे भी अब मैं ब्लेंड कर लूँगी गाइस, क्योंकि ये कबाब बनाने जा रही हूँ, इसे ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोटे मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। इसका पानी भी निचोड़ के अलग कर लिया है, अब इसे भी इसमें डाल दूँगी। पर अनियन रख रही हूँ चॉप किए हुए, क्योंकि चॉप किए हुए अनियन का अलग ही टेस्ट रहता है गाइस। अब मैं इसमें दूँगी मसाले, बेसिक मसाले है गाइस जो सबके घर में रहता है। ये है धनिया, ये है ज़ीरा, ब्लैक पेपर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है गाइस। अब इसे बाइंडिंग के लिए बहुत लोग बेसन दे देते हैं, पर मुझे, आप जानते हैं जैसे कि मुझे बेसन का टेस्ट खासी पसंद नहीं, इसलिए मैं आटा दे रही हूँ बाइंडिंग के लिए। आप चाहे तो बेसन भी दे सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है गाइस। मैं थोड़ा सा पानी दूंगी इसमें ताकि ये और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो ये मेरा तैयार हो चुका है वेज कबाब का मिक्स। तो अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेके आप इसे लंबे लंबे करके कबाब के स्टाइल में शेप दे दीजिए गाइस। आपको जिस तरह भी शेप देना है आप उस तरह दे सकते हैं। मैंने लंबा लंबा शेप दिया कबाब के लिए। आप चाहे तो स्टिक भी दे के कर सकते हैं, मेरे साथ नहीं था, इसी तरह सब को इसी तरह रेडी कर लीजिए गाइस। मेरा यहाँ पूरा रेडी हो चुका है वेज कबाब गाइस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखने में जितना अच्छा होता है गाइस खाने में भी उतना ही टेस्ट रहता है। आपके पास एयर फ्राई है तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं हेल्थ के लिए, पर मेरे साथ नहीं है तो मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ गाइस। तो सबको अच्छी तरह डीप फ्राई कर लेंगे।
दोनों साइड से अच्छी तरह पका लेना है ऑयल में। गाइस ये रेसिपी जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इसका टेस्ट, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि इसका वीडियो बना के डालूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख के इस रेसिपी का, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो ये मेरा कबाब रेडी हो चुका है गाइस, देखने में कितना ही बढ़िया लग रहा है, रियली गाइस खाने में भी उतना ही टेस्ट था। अब मैं यहाँ करूँगी इसकी प्लेटिंग। और सॉरी गाइस, मैं जो ये टमेटो का पेस्ट बनाई उसका वीडियो लेना आप लोगों को दिखाना भूल गई। ये केचप नहीं है, इसे मैंने टमेटो को प्यूरी करके बनाया है। तो ये टमेटो प्यूरी का सॉस है गाइस, जिंजर गार्लिक पेस्ट देके बनाया है। तो यहाँ मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। देखिए गाइस बड़ा ही अच्छा है दिखने में भी और खाने में भी। आप अपने गेस्ट को दे सकते हैं, कोई आए आपके घर में गेस्ट नॉन वेज नहीं खाना चाहते हैं तो आप वेज इस तरह बना के खिला सकते हैं गाइस। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है गाइस। गाइस मैंने ट्राई किया, इट्स रियली टेस्टी गाइस, बहुत ही टेस्ट था। मैं बनाई इसलिए नहीं, जिस तरह मैं बनाई उस तरह आप लोग भी ट्राई करना, फिर कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, थैंक यू।